आप देख रहे हैं केवल सच। आज अररिया जिला के पलासी प्रखंड में पंचायत शिक्षक नियोजन के तहत नव चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको नियोजन पत्र दिया जा रहा है। ये नियोजन पत्र पलासी हाई स्कूल में एक शिविर लगा के दिया गया है। इनमें विभिन्न पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव और जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका चयन किया गया है वो लोग आए हुए हैं और इन सबको नियोजन पत्र दिया गया है। अभी पकड़ी पंचायत के सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया गया है। हम सबसे पहले एक मिनट के लिए मुखिया जी से जानना चाहेंगे कि इनका नियोजन पत्र दिया गया छात्रों को इसके बारे में। पकड़ी पंचायत के जितने भी चयनित शिक्षक हैं नियोजन के द्वारा तो उनको अभी आज दिया गया है नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, तो आज शिविर के माध्यम से दिया गया है। इसमें सभी सदस्यगण मौजूद हैं, शामिल हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। आप शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे कि वे अपना शिक्षकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो नियुक्ति पत्र मिला है आज से वो टीचर का जॉब ज्वाइन करेंगे, आज से उनकी गिनती शुरू हो जाती है। और यही कहूँगी कि शिक्षक को बिल्कुल भी नियमित रूप से हमेशा विद्यालय आना चाहिए, बच्चों को बिल्कुल दिल से मन से और अपने शिक्षा के अनुसार बेहतर ढंग से शिक्षित करें, उनको एक तरह से सर्वांगीण विकास हो, मानसिक विकास हो, तो ऐसा अपने हृदय से दिल से बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करें। सिर्फ ये नहीं कि एक नौकरी है और मुझे बस नौकरी करना है और गवर्नमेंट से पैसा लेना है, इस ख्याल से इसको इस काम को ना करें। देश के विकास के ख्याल से छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास करें। यही मेरा शिक्षकों से निवेदन होगा, आग्रह होगा, यही कहना चाहूँगे। अब हम जानेंगे नियोजन पत्र जिन अभ्यर्थियों को मिल चुका है आज से वो एज ए पंचायत शिक्षक के रूप में चयनित हो गए हैं। अब हम जानेंगे कि नियोजन पत्र इनको मिला है और इनको कैसा लग रहा है और ये अपने दायित्व का किस प्रकार निर्वहन करेंगे। आपका नाम? नीतीश कुमार झा। मेरा चयन, मेरा नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय लोखड़ा कन्या में हुआ है। 2019 से प्रयासरत थे, आज फाइनली जाके नियुक्ति पत्र मिला है। बहुत खुश हैं हम। अपनी पूरी कार्य क्षमता के अनुसार हम अपनी पूरी मेहनत के से बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक जितना भी शिक्षा ग्रहण किया है, जितने भी प्रशिक्षण लिए हैं, उसके आधार पर हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी और सचिव साहब और सारे सदस्यगण को बहुत बहुत आभार। और फाइनली आज जाके हम लोग का सपना पूरा हुआ है, उसके लिए आप सबों को धन्यवाद। हमारी खुशी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप मीडिया बंधु को और सारे यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं सबको सहृदय धन्यवाद। और हम बहुत खुश हैं चयन होके। मेरा नाम मोहम्मद दिलदार हुआ, मेरा चयन पिछली पंचायत में हुआ और परवाखुरी स्कूल मिला नियुक्त हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि यह नियुक्ति पत्र काफ़ी संघर्षों के बाद लगभग 3 साल हो गए उसके बाद मिला है। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो राजेंद्र सर थे उन लोगों की मदद और आप जैसे पत्रकार लोगों की ही देन है जिसकी वजह से सरकार पे काफ़ी दबाव बना, उसके बाद जाकर तब आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। जी धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। मेरा नियोजन जो मुझे नियुक्ति पत्र मिला है ग्राम पंचायत पकड़ी और विद्यालय का नाम है नौसर्जित प्राथमिक विद्यालय महावीर सा टोला रंगधा। कैसा लग रहा है आपको नियोजन पत्र पाकर के, कैसा महसूस कर? बहुत खुशी हो रही है। मैं 2002 में मैट्रिक किया था, 2006 से मैं लगातार प्रयासरत था जो मुझे सफलता हासिल नहीं मिल रही थी। और मैंने अपना प्रशिक्षण हरियाणा से बीएड किया, इसके बाद सीटेट पास करने के बाद 2019 से लगातार प्रयास करने के बावजूद तब मुझे आज ये अनुभव। जी बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों। सबसे पहले मैं आप लोगों को सर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों की मांग आप लोग सरकार तक पहुँचाए और बहुत लेट होने के बाद भी हम लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला। तो मेरा चयन प्राथमिक विद्यालय बेनी में हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नियमित स्कूल जाऊँगा। धन्यवाद।
अब हम पंचायत सचिव हैं रफीक आलम जी, अब इनसे जानना चाहेंगे एज ए पदाधिकारी के रूप में और ये नियोजन कमेटी के सचिव भी हैं, अब इनसे जानेंगे कि ठीक है। आप लोगों का धन्यवाद। हम लोगों ने जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आजकल को जो शिक्षा में जो गिरावट आई है, इसमें गुणवत्ता बनाए और अनुशासनहीनता, आपका ही जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, वो नींव है, बच्चे का नींव है, उस नींव को मजबूत करें और अनुशासन ही के अंदर रखने की कोशिश करें। आप लोग भी शिक्षा को महत्व देते हुए डेली स्कूल आए, ऐसा यही हमारा संदेश है कहने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।